तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा मीठा बना रहे हैं जिसे बनाना तो आसान है ही और इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो व्रत जब भी हो और मीठा खाने का मन हो और उससे ही हमें फुल एनर्जी भी मिलती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम मखाने डालेंगे। इसमें मैं 3 कप मखाने यूज़ कर रही हूँ। आप क्वांटिटी आप अकॉर्डिंग कर सकते हैं कम या ज़्यादा। और ये देखिए, इन्हें हमें हल्का सा रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट कर रहे हैं ताकि ये हल्के से क्रंची और क्रिस्पी हो जाएं और इन्हें पीसना एकदम आसान हो जाए। इसे मैंने तोड़कर देखा बट ये नहीं टूट रहा है अभी। इसे हल्का सा और भुनना है हमें, बस 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मीडियम फ्लेम पर इन्हें हमें सेकना है और इसे हम इस तरीके से तोड़कर देखेंगे, ये बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं और इन्हें पीसना बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो ये ना थोड़े से सोगी टाइप के रहते हैं ना, और बारिश का मौसम चल रहा है तो इन्हें हल्का सा भून लें हम। और ये भून चुके हैं अच्छे से, अब हम इन्हें ठंडा कर इनका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो इनका मैंने एक फाइन पाउडर बना लिया है। अब उसी पैन में ही मैंने 1/2 लीटर दूध ली हूँ और इसके साथ ही हम 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर डाल रहे हैं इसमें। और 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर के बाद इसमें हम डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल रहे हैं, ये भी 2 बड़ा चम्मच है। आप इसकी क्वान्टिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पर बॉईल करना है और इसकी थिकनेस हमें गाढ़ी करनी है क्योंकि मिल्क को हमें रिड्यूस करना है। और ये देखिए, ये मिल्क में बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है और ये गाढ़ा भी होने लगा है। बस इसे हमें चलाते हुए रहना है ताकि दूध तले में लगे नहीं, और जो आइड साइड से लग रहा है ना, इसे हमें स्पैचुला से इस तरीके से निकालते रहना है जिससे कि मलाई है ना दूध में मिक्स होती जाए। और इस तरीके से हम इसे इस मिठाई को बनाएंगे ना तो बहुत मावे वाला टेक्सचर आएगा। अब हम इसी के साथ ही इसमें 1/2 कप शक्कर डालेंगे। इतनी क्वांटिटी के लिए 1/2 कप शक्कर बहुत है। अगर फिर भी आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। और ये मिल्क रिड्यूस हो चुका है अच्छे से, आधा हो चुका है। और अब इसमें पिसा हुआ हमारा जो मखाना है ना, इसे हम ऐड कर देंगे और मखाने को भी इस मिल्क में अच्छे से मिक्स कर देना है। और मखाना मिक्स करने के बाद में इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो इसे फटाफट से मिक्स करते जाएं इस तरीके से, स्पैचुला से, और कोई लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। बस थोड़ा ही समय लगेगा, ये आसानी से मिक्स हो जाता है। और ये मिठाई ना आप कभी भी बना सकते हैं, इतनी टेस्टी होती है ना, बहुत टेस्टी। और इसे आप खाएंगे ना तो व्रत में आपको एनर्जी भी मिलेगी। तो जब भी व्रत हो तो एक पीस ये ज़रूर आप खा सकते हैं और बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए, कुछ ही मिनट हुए हैं इसे मिक्स करते हुए और ये गाढ़ा होने लगता है बहुत जल्दी। बस इसे चलाते रहें, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है हमें, हाई नहीं करना है। और इस समय पे हम इसमें 2 टेबल स्पून जितना घी डालेंगे। घी डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। आप चाहें तो बिना घी के भी बना सकते हैं बट घी डालने से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और ये देखिए, घी डालने के बाद इसे हम इस तरीके से मिक्स करेंगे तो ये है ना पैन भी छोड़ने लगता है और घी इसमें बहुत आसानी से अब्जॉर्ब हो जाएगा। 2 चम्मच घी तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं बट मैं कम घी में ही बना रही हूँ। और ये देखिए, बस कुछ समय और हमें इसे कुक करना है। ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं और ये एक डो फॉर्म में आ चुका है। इट मीन्स हमारा मिठाई का मिक्स है ना जो तैयार है। गैस का फ्लेम अभी हम बंद कर देंगे और इसे हमें हल्का सा ठंडा होने देना है। ये गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दी हूँ और इसे मैंने यूं ही छोड़ दिया है। और इधर हमने एक प्लेट ले रही हूँ मैं, आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं, उसमें आप इसे सेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। ये आसानी से सेट हो जाती है, इसमें चिपकने का कोई झंझट नहीं रहता। ये मिठाई इतनी ईजी है बनाना, आप अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो ना तो भी ये मिठाई आप आसानी से बना सकते हैं। और ये बहुत टेस्टी भी होती है, साथ में ये बहुत हेल्दी भी है। और ये मैंने थोड़ा सा घी डालकर थाली को ग्रीस कर ली हूँ और ऊपर से जो हमारा मिक्स है ना मिठाई का, ये हम इसमें डाल देंगे। और मिक्स डालने के सारा का सारा मैंने निकाल लिया है और स्पैचुला से इसे हमें अच्छे से फैला देना है। ये थोड़ा सा स्पैचुला में स्टिक हो रहा है, फिर इसे मैं हाथ से कर दूँगी बराबर। हल्का सा गुनगुना है तो इसे हाथ से करना आसान होता है, आप बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। और इसे मैंने इवन कर दिया है और अब ऊपर से हम जो बादाम की कतरन होती है ना वो मैं इसमें स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें पिस्ताशियो या काजू कुछ भी आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ना सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं जिसे देखने में और भी सुंदर लगे। तो ये देखिए, इसे सेट होने के लिए हमें छोड़ देना है इसी तरीके से। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रखकर 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे तब भी ये सेट हो जाएगी। और देखिए कितनी ईजीली
ये सेट हो चुकी है और मैं इसे काट रही हूँ ना, आपको पता चल रहा होगा कितनी सॉफ्ट बनी है ये, एकदम मेल्ट इन माउथ, मुंह में रखते ही खुल जाए, ऐसी मिठाई है ये। और सावन का महीना लग गया है तो इसमें तो बहुत सारे व्रत और त्यौहार स्टार्ट हो ही जाते हैं, तो आप इस मिठाई को बनाकर रख सकते हैं फ्रिज में 8 दिन तक, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है। तो इसे आप बनाकर ज़रूर इंजॉय करें, और वीडियो कैसा थोड़ा भी पसंद आया हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल को बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, और अभी तो सब्सक्राइब करना ही बंद कर दिया है, ना व्यू आते हैं या सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। कभी कभी लगता है वीडियो बनाना ही बंद कर दो, बट मन नहीं मानता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए, और ये मैंने इसे चौकोर आकार में काट ली हूँ, ये मिठाई को आप देखें, आप इसके पीस ना बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, बस एक पीस आप निकालेंगे बहुत आसानी से सारे के सारे आप निकाल सकेंगे चाकू से, इस तरीके से नीचे से हल्का सा उठाएंगे, और ये देखिए ये आराम से निकल जाते, बिल्कुल भी नहीं चिपकती, आप देख रहे हैं प्लेट में भी नहीं चिपकी है। और इसे बनाना जितना आसान है ना, खाना तो और भी आसान है, और बहुत टेस्टी बनी है। और इसे अब हम एक प्लेट में लगा देते हैं इस तरीके से, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी दिख रही है, एकदम मावे जैसी लग रही है ना, कोई भी कह नहीं सकता कि मखाने की मिठाई है। और इसे आप खुद बनाए ना तो आपको पता है, क्योंकि आपको व्रत में खाना है, तो आप बहुत अच्छे से ये मिठाई को इंजॉय कर सकते हैं। तो इसे बना कर रखिए, और व्रत जब भी हो तो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो ये मखाने की बर्फ़ी बनाना तो बनता है। ये देखिए मैं एक बर्फ़ी पीस तोड़ कर दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट बना है और कितना अच्छा है, न चाशनी की झंझट है न मावे की, फिर भी मिठाई बहुत ही टेस्टी बनी है। और ये देखिए इसका टेक्सचर कितनी अच्छी, कितनी सुंदर नज़र आ रही है। तो मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, थैंक यू।